पल्पेशन में क्या है, पल्पेशन में दो किस्म में डिवाइड करते हैं, एक है सुपरफिशियल पल्पेशन जिसमें कैसे करेंगे, ये है फॉर एग्जाम्पल हैंड, ठीक है, देख रहे हैं फुल हैंड मूवमेंट जो है ना, मतलब फुल हैंड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और फिर डीप पल्पेशन, डीप पल्पेशन में सिर्फ ये ऊपर ये फिंगर्स है ना, सिर्फ इसकी मूवमेंट होनी चाहिए डीप, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले सुपरफिशियल पल्पेशन, उससे पहले पेशेंट से आपने पूछना है कि किधर पेन है तो वो बता देगा कि यहाँ पर है, तो उस पर ज़रा थोड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन सुपरफिशियल पल्पेशन इस तरह करनी है, ठीक है। इस मेथड में जाना है, किसी भी मेथड में आप जाएं, लेकिन इस तरह इस शेप में जाए कि कोई ना कोई एरिया मिस ना हो, ये ना हो पहले ये कर रहे हैं फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस तरह डिफरेंट जा रहे हैं, नॉन सिस्टमेटिक मेथड में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिस हो सकता है। इसलिए जो है ना ये क्वाड्रेंट्स डिवाइड हुए ताकि सिस्टमेटिक वे के जाएँ, सिस्टमेटिक थ्रू जाएँ। तो इसमें अब क्या है, सुपरफिशियल पल्पेशन और डीप पल्पेशन। सुपरफिशियल पल्पेशन पहले करते हैं, इसमें हम इस तरह जो है पल्पेट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या क्या पल्पेट करेंगे, या जो है ना टेंडरनेस होगी, फॉर एग्जांपल ये किया और हमने इसको फॉर एग्जांपल नहीं, हमें जो है ना पल्पेट कर रहे हैं और पेशेंट की आइज़ को देखना है, अगर मैंने पल्पेट किया और ये एरिया टेंडर हुआ, पेशेंट को नहीं पता कि ये टेंडर है, मैंने टच किया पेशेंट आइज़ क्लोज किया या इरीटेटेड हो गया, तो मतलब ये एरिया क्या है टेंडर है, या जो है ना गार्डिंग पेशेंट कर रहा होगा, गार्डिंग मतलब कि स्टमक जो है ना टाइट रखा हुआ, उसने डर रहा है एनजाइटी की वजह से, या जो उसको पता है कि ये दुख रही है जगह, कुछ भी वजह हो सकती है, या रिजिडिटी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख रही है सर्कुलर एरिया, फॉर एग्जांपल ये ना सोचे कि हम भलाई कैसे सोचे कि ये कोई ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पर जो है ना सख्त किस्म की स्किन है या कोई नीचे कोई मास है, ठीक है, तो मैंने इधर किया ये ज़रा रिजिड की टाइप जगह है, ठीक है ये एरिया, तो इस तरह ही हम पल्पेट करेंगे और पेशेंट को देखते रहेंगे, ठीक है, ऑल द 9 क्वाड्रेंट्स। ये सुपरफिशियल पल्पेशन हो गई। अब जब डीप पल्पेशन आ गई है उसमें हम क्या क्या देखेंगे, डीप टेंडरनेस, लिम्फ नोड्स, प्रेजेंस ऑफ मासेस, डीप मासेस, ठीक है, और जो विजरा क्या है उसकी जो है ना पल्पेशन करेंगे, जितने भी विजराज है, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनीज हो गई, ब्लैडर हो गया, गॉलब्लैडर भी कर सकते हैं किसी सिरेट में, ठीक है। तो सबसे पहले डीप टेंडरनेस करते हैं, किस तरह करनी है पल्पेशन, ये देख रहे हैं सिर्फ ये फिंगर्स मूवमेंट, ठीक है इस तरह जो है सारे क्वाड्रेंट्स में हम पल्पेट कर रहे हैं डीप। अगर फर्ज करें देखें ये मतलब कि फॉर एग्जांपल ये शोर का मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा टेंस्ड है ये जगह, टेंस की वजह से फॉर एग्जांपल ये आवाज़ें कर, तो पेशेंट को क्या कहेंगे, अपनी नीज बेंड कर लें, नीज बेंड कर लेंगे तो वो ज़रा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये स्टमक कि टोन जो है ना रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन फिर अभी अगर ये टोन फिर भी ना हो तो पेशेंट को आप कहें कि डीप इंस्पायर और एक्सपायर करें, जिस तरह वो एक्सपायर करेगा तो वो स्टमक कंटेंट खुद अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो उसके साथ ही विद एक्सपायरेशन जो है ना आप डीप पल्पेट करते रहें, ठीक हो गया। ये सबसे पहले आपने की है डीप टेंडरनेस की, कोई डीप कोई जगह तो नहीं है जिसको टच कर लूँ तो पेशेंट की जो है ना आइज़ जो है ना फ्लिकर कर रही है या बंद हो रही है या वो गार्डिंग कर रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये सबसे पहले डीप टेंडरनेस आपने देखनी है, ये ना हो कि डीप टेंडरनेस भी कर रहे हैं और साथ आप विजराज भी देख रहे हैं, विजरा अलग देखेंगे, विजरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। उसके अलावा जो है ना अभी लिम्फ नोड्स यहाँ पे सर देख लेंगे, इसके लिए सर करेंगे, ठीक है, मूवमेंट, ओके। प्रेजेंस ऑफ मासेस, फिर जो है ना आप डीप पल्पेट कर रहे हैं ताकि कोई मास तो नहीं है अंदर, ठीक। अच्छा, अब लास्ट रह गया जो विजरा है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी जो है ना पल्पेशन करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं लिवर की पल्पेशन। लिवर की पल्पेशन, लिवर कहाँ है, यहाँ से जो है ना राइट इलियक से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ से जो है ना पल्पेशन स्टार्ट की है हमने, ठीक है। क्या क्या पल्पेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना बॉर्डर, उसके एजेस, सरफेस, कोई टेंडरनेस, कंसिस्टेंसी, पल्सेटाइल इन नेचर है, कंसिस्टेंसी मतलब कि मैलिग्नेंट वाले हो गए, मैलिग्नेंट अगर लिवर है तो वो फर्म होगा, हार्ड होगा किसी किसी एरियाज में, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना हम पल्पेट करेंगे फॉर ऑल दीज ऑल दिस स्टफ, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा जो है ना हम जो है ना इस तरह पल्पेट करें तो हमें जो फॉर एग्जांपल नॉर्मल में जो है ना नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अगर उसकी जो है ना स्प्लीनम सॉरी हेपेटोमेगैली हुई हुई है तो वो नीचे तरफ आ जाएगा, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पल्पेट कर लिया है। अब आपको लिवर का साइज़ कैसे मालूम करना है, उसको कहते हैं लिवर स्पैन के, कितना साइज़ है वो कैसे मालूम करेंगे। अब आपको अगर कमांड मिले सिर्फ पल्पेशन का, तो पल्पेशन में आप लिवर पल्पेट करें ना, अब कमांड क्या है, अब सॉरी एक बीच में भी क्या लिवर स्पैन करना है, लेकिन कमांड में परकशन नहीं है, लिवर आपको मैंने कहा था कि रेस्पिरेटरी में एक लिवर यहाँ पर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से डलनेस आ जाती है, डलनेस आ गई है, तो अब यहाँ से लिवर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब कमांड में तो परकशन नहीं है,
आप प्रकाश नहीं करेंगे, आप एग्जामिनर से पूछें कि हमने जो है ना ये लेवर तो मैंने यहाँ पे जो है ना पलपेट यहाँ पे मुझे मिल गया है, बॉर्डर मिल गया है, हेपेटोमेगेली है पेशेंट को, लेकिन अब फॉर फाइंडिंग आउट द लिवर स्पैन आई नीड टू परकस। एग्जामिनर से पूछेंगे, अगर वो कहें नहीं परकस नहीं करो, तो फिर आप क्या कहेंगे कि कोस्टल मार्जिन क्या है, यहाँ से जो है ना मतलब इस यहाँ पर कोस्टल मार्जिन रिब्स है ना, रिब्स जो है ना हम तो रिब्स को रिब्स के अंडरनीथ तो पलपेट नहीं कर सकते ना डीप, तो आप कोस्टल मार्जिन से ये डीप यहाँ पे जो पलपेट हुई ये जो है ना मेजर करेंगे। कैसे, कोस्टल मार्जिन पे इसका रख दिया है ठीक है, और यहाँ पे जो पलपेट किया यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिल गया है, तो वो इस तरह पलपेट कर लें, फॉर एग्जांपल ये 4 इंचेस है ठीक है, ऐसी फॉर एग्जांपल ठीक हो गया। लेकिन अगर पेशेंट एग्जामिनर कहे कि परकशन कर लो ठीक है, तो परकशन कैसे करेंगे, स्टार्ट से शुरू हो जाएंगे, देखिए रेजोनेटिंग है, ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, थर्ड पे आए ठीक हो गया, फिर फोर्थ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ थोड़ी सी मिक्स्ड टाइप की परकशन आ गई, हो फिर क्या हो गई बिल्कुल डल है, तो ये जो मिक्स्ड आया ना मिक्स्ड यहाँ से जो है ना लिवर स्टार्ट हो जाता है ठीक हो गया, नॉट फ्रॉम द डल, डल डलनेस से ऊपर वाले जिसमें मिक्स्ड टाइप जो है ना वॉइस आ जाती है, जो कि ना पूरा रेजोनेटिंग है और ना डल है ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस तरह रख दिया आपने ठीक है, और नीचे तरफ ले आए, यहाँ पर दोबारा पल्पेट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ मिल गया मुझे, तो यहाँ पर आप इस तरह कर लेंगे, तो एक्चुअल लिवर स्पैन कितना था 6 इंचेस था, लेकिन उसके अलावा क्या आ रहा था 4 इंचेस आ रहा था, मतलब 2 इंचेस क्या था वो रिब्स के अंदर जो है ना रिब्स के ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब कोस्टल मार्जिन के ऊपर था, तो इसलिए हमें परकशन ज़रूरी थी, सही हो गया ठीक। तो ये हो गया लिवर, अब आ जाएगा स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, मतलब स्प्लीन ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में है ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ही राइट इलियक से डायगोनली उस तरफ जाएंगे ठीक है, इस तरह ही डीप पल्पेशन करेंगे, अम्बलिकल से इस तरफ जाएंगे ठीक है, वही सारी चीज़ें ये जो है ना हम यहाँ पे बॉर्डर्स देखेंगे, यहाँ पे जो है ना कोई भी हमें जो है ना एरियाज मिल गए हैं, हमें जो है ना जिस तरह पल्पेट हो गया वहाँ से जो है ना फिर अब मेजर क्या करते हैं कोस्टल मार्जिन तक, कोस्टल मार्जिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये तो कोस्टल मार्जिन की तरह ना यहाँ पे इस तरह इंची टेप रख देंगे और यहाँ तक मेजर कर देंगे, ये जो है ना लिवर का सॉरी स्प्लीन का जो है ना स्पैन हमें मिल गया इस तरह। यहाँ पर भी अगर देखें लिवर में स्प्लीन में अगर आप जो है ना पल्पेट कर रहे हैं और इफ़ पल्पेट नहीं हो रहा है तो पेशेंट को कोई एक्सहेल कर मतलब ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करे डीप ठीक हो गया, जैसे वो एक्सहेल करे आप जो है ना साथ पल्पेट करते रहे ठीक है, स्प्लीन में भी और लिवर में भी, और इसमें क्या क्या कमेंट करेंगे, उसका नॉच कोई बल्ज हुआ हो या टेंडरनेस ठीक हो गया, और स्पैन तो मैंने बता दी है, ये हो गया स्प्लीन। अब आ जाती है किडनीज पे, किडनीज की पल्पेशन कैसे करते हैं, ये डिफरेंट मेथड है, इसको कहते हैं बाय मैनुअल पल्पेशन, बाय मैनुअल मतलब के बाय मतलब टू, मैनुअल मतलब हैंड, तो टू हैंड कैसे, एक हैंड नीचे रख देंगे इस तरह ठीक है, उससे क्या करेंगे पुश कर लेंगे हैंड को, और दूसरे से इस तरह पल्पेट कर रहे हैं ठीक है, मतलब एक से इस तरह पुश कर रहे हैं, किडनी ऊपर पुश जाती है और दूसरे से इस तरह पल्पेट करेंगे, तो वही सारे जो है ना टेंडरनेस और जो है ना एजेस और इस तरह से हम जो है ना पल्पेट करेंगे कि कितना साइज है वो सब कुछ पल्पेट कर लेंगे। अब असल में डिफरेंस आ जाती है, देखिए यहाँ पर तो लिवर है लोग और किडनी वो तो सेपरेटली बिल्कुल सेपरेट है, यहाँ पर असल में ना स्प्लीनोमेगैली हो रही है, मतलब स्प्लीन इनलार्ज हो गया है और किडनी भी इनलार्ज हो गया है, तो वो दोनों जो है ना सुपर इम्पोज एक किस्म के हो जाते हैं, तो इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे या अगर पूछे आपसे एग्जामिनर, देखें लिवर सॉरी स्प्लीन क्या है, डायगनली इनलार्ज हो रहा है ठीक है, इस तरफ नीचे की तरफ जो है ना डायगनली इनलार्ज हो रहा है, और जो किडनी होगा वो नीचे की तरफ इनलार्ज होगा, एक डिफरेंस ये हो गया। जो स्प्लीन था हम जो है ना इस तरह डीप पल्पेशन कर रहे थे और साथ पेशेंट को कह रहे थे कि एक्सहेल में एक्सहेल करो ठीक है, हो गया ये दो, एक एक्सहेल वाला पॉइंट हो गया और एक डायगनली पल्पेशन हो गई है। किडनी में क्या है, किडनी में बाय मैनुअल पल्पेशन है और किडनी में ये एक्सहेल और ये वाली बातें नहीं है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है ना उससे कोई खास जो है ना एक्सपोजर नहीं होता थ्रू इफ़ द पेशेंट इज़ ब्रीथिंग और नॉट ठीक है, सेम ही होता है, तो ये थोड़ी डिफरेंस भी बीच में हो गई थोड़ी बात। उसके अलावा ब्लैडर हो गया, ब्लैडर भी जो है ना आप इस तरह जो है ना आपको कॉन्ट्रैक्ट एरिया में जो है ना इस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लैडर आपको फील नहीं होगा, पेशेंट को तो फील हो रहा होगा कि आप उसके ब्लैडर को प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपको जो फील होगा वो एम्प्टी ब्लैडर में नहीं होगा, फुल ब्लैडर पर जो है ना प्रॉपरली सही फील हो रहा होगा आपको।
ओके तो वो इसके बाद क्या रह गया, गॉल ब्लैडर रह गया। अगर जो है ना पेशेंट आपको कहे कि मेरा जो है ना हार राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में जो है ना पेन हो रहा है, तो उसमें जो वो इस तरह की डीपनेस मतलब एक डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे, जिस तरह एक्सहेल कर रहे हैं तो आप जो है ना यहाँ पर पल्पेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना नहीं करते गॉल ब्लैडर, ठीक है क्या? ओके तो इस तरह इसके अलावा आप क्या रह गया, पल्पेट द एक्सटर्नल जेनिटेरिया जो है ना पल्पेट करेंगे, ठीक है, और हर्नियल ऑरिफिसेस ठीक हो गया, और इसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी जो है ना इसमें आ जाती है, क्योंकि वो भी एब्डोमेन का हिस्सा भी है, लेकिन वो सारी जो अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं ना सारी एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन हम रखते हैं।